लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। 21 दिन पैसा डबल, ये तो आपने फिल्मों में सुना होगा, लेकिन असल जिंदगी में कोई आपको 30 मिनट में पैसा डबल करने का ऑफर दे तो आप जरूर सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन वही ऑफर अगर कोई बिल गेट्स, बराक ओबामा जैसा व्यक्ति दे तो आप जरूर यकीन कर लोगे कि वाह ऐसा भी होता है। ऐसा ही एक मामला बीती रात सामने आया जब अमेरिका में हैकर्स ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स समेत तमाम बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए। इसके बाद हैकर ने इन हस्तियों के ट्विटर अकाउंट को हैक करने के बाद लगभग मिलता जुलता ट्वीट किया है। हैकर्स ने जिन ट्विटर अकाउंट्स को हैक किया उनमें क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस की मांग को लेकर जिक्र किया गया। हैक किए गए अकाउंट से ट्वीट में ये भी लिखा गया कि अब वक्त आ गया है कि हमने समाज से जो कमाया है उसे वापस लौटाएं। इन्हीं ट्वीट के साथ बिटकॉइन के जरिए पैसा देने की बात कही गई। जैसे बिल गेट्स के ट्विटर अकाउंट से लिखा गया कि हर कोई मुझसे कह रहा है कि ये समाज को वापस देने का वक्त है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगले 30 मिनट में जो पेमेंट मुझे भेजी जाएगी मैं उसका 2 गुना लौटाऊंगा। आप $1,000 का बिटकॉइन भेजो, मैं $2,000 वापस भेजूंगा। इतने बड़े प्रोफाइल से इस तरह का ट्वीट किया गया तो लाजमी था कई लोग उस पर विश्वास भी कर लेंगे। हालांकि उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जिसकी प्लानिंग शायद हैकर्स करके आए थे, लेकिन फिर भी इस हैक से हैकर्स ने करीब 300 लोगों से $1,10,000 बिटकॉइन निकलवा लिए। ट्विटर के सीईओ जैक की ओर से ट्वीट करके कहा गया कि आज ट्विटर का बहुत ही मुश्किल भरा दिन था। जो हैकिंग हुई उसे हमने रोकने का प्रयास किया, इसके लिए काफी अकाउंट्स को बंद भी कर दिया गया था। हालांकि अब अकाउंट फिर से शुरू किए जा चुके हैं। ये हैकिंग कैसे हुई और इसके पीछे कौन था, हम इसकी जांच कर रहे हैं। गौरतलब हो कि ऐसा पहली बार नहीं है कि ट्विटर पर हैकिंग का मामला सामने आया हो। इससे पहले भी कई बार कुछ देशों में हैकिंग सामने आई थी, लेकिन तब किसी एक बड़े अकाउंट या कुछ अकाउंट्स को टारगेट किया जाता था। लेकिन इस बार बड़ी संख्या में हस्तियों को टारगेट किया गया और इस बार का मकसद भी एक तरह से चूना लगाना था, क्योंकि ऐसे बिटकॉइन मांगने की घटना का ये पहला मौका था।